बैचलर टोपी पहने चंचल चेहरों के साथ चल रहे थे। ये लोग शिनचोन जी यीशु की कलीसिया के सियोन मिशन केंद्र के स्नातक हैं। जिन लोगों ने मिशन केंद्र में बाइबल पाठ्यक्रम को पूरा किया है और स्नातक की परीक्षा को पास कर चुके हैं और वे अब शिनचोन जी यीशु की कलीसिया में प्रवेश कर पाए हैं। यह सिर्फ एक संप्रदाय द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा समापन समारोह है। इस दिन 10 नवंबर 2019 को कुल 103,764 छात्रों ने स्नातक किया। यीशु की कलीसिया ने अपने नींव के बाद 35 सालों में 4,500 गुना वृद्धि करता आया है। जब लोग विश्वास की इस दुनिया में निराश हो रहे हैं और कलीसियाओं को छोड़ रहे हैं, तो इस बीच इतने सारे लोग शिनचोन जी यीशु की कलीसिया में क्यों आ रहे हैं? शिनचोन जी यीशु का कलीसिया की स्थापना 1984 में क्वाशान दक्षिण कोरिया में चेयरमैन मान ही ली और 12 गोत्रों के द्वारा हुआ। इसका मुख्यालय कोरिया के प्रमुख शहरों में स्थित है। इसका आधिकारिक नाम है शिनचोन जी यीशु की कलीसिया, साक्षी के तंबू का मंदिर। यहाँ शिनचोन जी नए आकाश और नए पृथ्वी को संक्षिप्त नाम है, जिसका अर्थ है विश्वास की दुनिया में नया युग आ गया है। कलीसिया का अर्थ है कि इस कलीसिया का मालिक यीशु है। साक्षी के तंबू प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 में दर्ज नाम है, जिसका अर्थ है कि नए नियम की भविष्यवाणियों को वास्तविकता में देखना, सुनना और गवाही देना। शिनचोन जी यीशु की कलीसिया शक्ति के नाम से लेके संगठन तक बाइबल के वचनों पर आधारित है। प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 16 में यीशु ने कलीसियाओं के लिए एक दूत भेजने का वादा किया, जो दूसरे आगमन के समय में यीशु के वचन को बताएगा। अनही ली को इस वादे के अनुसार भेजा गया था और दुनिया भर के विश्वासियों को यीशु के दूसरे आगमन की पूर्ति के बारे में वे बता रहे हैं, जो उन्होंने देखा है और सुना है और बाइबल के 66 पुस्तकों का सही अर्थ बता रहे हैं। शिक्षाओं के अनुसार जिन्होंने स्वतंत्र रूप से जीवन का जल देने की बात की थी, चेयरमैन ली दुनिया भर में सियोन क्रिश्चियन मिशन सेंटर मुफ्त में चला रहे हैं। इस नए संपर्क रहित समाज में हाल में ही ऑनलाइन मिशन केंद्र खोला गया था, जो शिनचोन जी द्वारा सिखाए गए परमेश्वर के वचन को सुनना चाहता है, ये उनके लिए द्वार खुल चुके हैं। वासियों ने स्पष्ट बाइबल के सबूतों को सुना है और नए नियम की भविष्यवाणियों की वास्तविकता की पुष्टि की है और जो कहीं और नहीं सुन सकते, वे शिनचोन जी यीशु की कलीसिया की ओर चले आते हैं। शिनचोन जी की मंडली के सदस्य जो परमेश्वर के वचन से पोषित है, उनकी उपस्थिति दर स्पष्ट रूप से उनके विश्वासी जीवन की संस्कृति में प्रकट करता है। आप बाइबल की पुस्तकों को सीखने और उसमें महारत हासिल करने में आलस नहीं दिखा सकते। एक ऐसी जगह है जहां लोग वचन को समझने के लिए एकत्रित होते हैं। शिनचोन जी यीशु की कलीसिया वह सच्ची कलीसिया है जहाँ परमेश्वर और यीशु के वचन बहते हैं। नियम की भविष्यवाणी शांति के एक संसार में निर्माण के साथ समाप्त होती है, जिसमें परमेश्वर वास करते हैं। शिनचोन जी यीशु का कलीसिया इस धरती पर एक सुंदर संसार लाते हैं जहाँ परमेश्वर अवितरित हो सकते हैं। सही नहीं है कि हम दुनिया को परमेश्वर को वापस सौंपें, क्योंकि जो संसार बहुतों द्वारा अनुग्रह करता है वे मूल रूप से परमेश्वर का है। इसीलिए क्या परमेश्वर नीचे नहीं आ सकते और अधिकार नहीं कर सकते? है ना, वो बिल्कुल कर सकते हैं। यही काम आज हम पूरा कर रहे हैं। यीशु की कलीसिया ने पूरे देश में सहायता जरूरत स्थानों में गए और मदद के लिए हाथ भी बढ़ाया। प्रत्येक संगठन और संघ शिनचोन जी यीशु का कलीसिया के योगदान की मान्यता देता है और स्वयं सेवकों की प्रशंसा प्रतिका प्रदान करता है, जो दुनिया के किसी भी अन्य संगठन तुलना से सबसे सुसंगत है और समर्पित हो रहे हैं। इसके अलावा अध्यक्ष ली संगठन शांति HWPL के प्रतिनिधि के रूप में विश्व शांति आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। उनके पद का अनुसरण करते हैं जिसके 2000 साल पहले यरूशलम में शांति की घोषणा की और परमेश्वर के वचन को पूरा किया, जिसने शांतिपूर्ण दुनिया का वादा किया। आज भी जो लोग बाइबल की सही अर्थ और सच्चाई की तलाश करते हैं, वे एकत्रित होते हैं। विश्वासी बनकर जो कि सही बाइबल के ज्ञान और विश्वास को आधार पे दुनिया को प्रकाश दे सकता है, और आप भी इस मुख्य के पत्र बन सकते हैं।